अपनी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्पाइस मनी से बैलेंस इंक्वायरी कैसे करेंगे, और इसी के साथ हम बताएंगे कि बैलेंस जब आप इंक्वायरी कर लेते हैं, अब मान लीजिए आपको बैलेंस निकालना है अपने आधार कार्ड से, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानने वालेंगे कि आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं या आधार कार्ड से बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जान सकेंगे कि आधार कार्ड से बैलेंस कैसे चेक करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। स्पाइस मनी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो पहले से ही है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाइक करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप अपने स्पाइस मनी एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। उसका ऐसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी अपने मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। आप कोई भी फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे OTG, जैसे कि मेरा वीवो के फ़ोन में, तो आप मैं एक और बैक करके तो आप सेटिंग ओपन कर लेंगे। उसके बाद अदर इंटरनेट नेटवर्किंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको OTG का, OTG से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से OTG ओपन कर लेंगे तो आपने जो डिवाइस सेलेक्ट कर रखी होगी वो यहाँ पर उसकी लाइट ऑन हो जाएगी, और यहाँ पर लिख के आ चुका है डिवाइस इज रेडी। उसके बाद बैक आ जाएंगे स्पाइस मनी में। आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा बैलेंस इंक्वायरी का, जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस इंक्वायरी करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैलेंस इंक्वायरी, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस डिवाइस से बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मारफो, यहाँ पर मारफो डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास मारफो की डिवाइस है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा अपनी बैंक, व्यू आर बैंक पर क्लिक कर यहाँ पर अपने जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जैसे मैंने अपना बैलेंस मतलब बैंक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालने आएगा। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आप चाहे आधार कार्ड को स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन रखता है, स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे, जरूरी नहीं है आपका मोबाइल नंबर वह आधार बैंक से लिंक होना चाहिए या आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कैन फिंगर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमें इस तरह का इंटरफेस आएगा, और जो आपने डिवाइस कनेक्ट कर रखी होगी उसमें एक लाइट जलेगी। किस तरह लाइट जलेगी आपको यहाँ पर स्क्रीन दे सकते हैं, आपके सामने इस तरह की वॉइस आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपका अमाउंट शो होने लगेगा, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो यहाँ पर शो होगा। आप इन्हें यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं या आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, तो मिनी स्टेटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका मिनी स्टेटमेंट के लिए आप फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ बैलेंस इंक्वायरी हमने कर लिया, अगर आपको बैलेंस विड्रॉ करना है तो यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से वही प्रोसेस है कि अपना आधार नंबर डालेंगे और आप विड्रॉल कितने रुपए अमाउंट करना चाहते हैं। मिनिमम आप यहाँ पर विड्रॉल 100 रुपये कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 100 रुपये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 100 रुपये सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि जब भी हम विड्रॉल रुपये करें तो ये ऑटोमेटिकली बताए कि हमने 100 रुपये निकाल लिए हैं। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं आप जैसे आप स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे कि उसी डिवाइस में लाइट जलेगी, लाइट को फिंगर रखेंगे। आधार कैश विड्रॉल ऑफ ₹100 इज सक्सेसफुल ऑन स्पाइस मनी। देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली खुद वॉइस रीड की है। उसके बाद आप इसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं जिसका भी आपने विड्रॉल किया है, SMS द्वारा से भेज सकते हैं जिस नंबर पे आपने यहाँ पर फीड किया था। देखिए अब जो हमारा पहला अमाउंट था वो 240 रुपये था, अब यहाँ पर हमारा 140 रुपये रह गया, यानी हमारा 100 रुपये विड्रॉल हो गए। अब ये हमारा 100 रुपये विड्रॉल हुआ कि आए कहाँ है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो वॉल्ट का एक ऑप्शन देगा, इसमें वॉल्ट में ऑटोमेटिक सेव होते रहेंगे, यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं, बैलेंस को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप बैलेंस निकाल सकते हैं, इस बैलेंस को अब आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, नीचे से कमेंट कीजिए। स्पाइस मनी से नया पैन कार्ड कैसे बनाते हैं इस पर हमारी कंप्लीट वीडियो है, या UTI में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस पर हमारी कंप्लीट वीडियो है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।